और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं यह कोरीडी मार्केट है, जो कि फल का बाजार लगाया गया है और इधर गन्ने का वितरण हो रहा है। जो भी छठ किए होंगे उनको गन्ना दिया जा रहा है। पूजन के रे सजाया जा रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं विशम सानी और स्वागत है आपको एक नई सी वीडियो में। और बिहार का आज महान पर्व, बिहार का सबसे महान पर्व जो कि छठ पूजा, राम कोरीडी का छठ पूजा, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। चलिए देखते हैं छठ पूजा। इसमें आप लोग को आज शाम से लेके कल सुबह तक का वीडियो देखने के लिए मिलेगा। और वीडियो आप लोग कंटिन्यू देखिएगा। और हमारे सब कमेटी के सदस्य लोग इधर बैठे हुए हैं। सही भाई एकदम ये भी कैमरा लगा के बैठे हुए हैं। घाट पे आने के लिए जो पथ बनाया गया है उस पर पुष्प का छिड़काव किया जा रहा है अभी, क्योंकि इसी रास्ते बर्फधारी लोग आएंगे। और हमारे अध्यक्ष महोदय जी आ चुके हैं। पावन धरती पर छठी मैया के घाट पे आप सभी व्रतधारी उपस्थित होकर और कार्य बहुत ही और अभी सूर्य भगवान की जो प्रतिमा लगाई गई है उसका पूजन हो रहा है। पट खुलेगा, उसके बाद में अर्घ दिया जाएगा। और चलिए और देखिए किस प्रकार से बच्चे को बैलून बांटा जा रहा है। एक एक करके बच्चे को बैलून दिया जा रहा है। और चलिए आप लोग को घाट की तरफ लेके चलता हूँ, थोड़ा उधर का भी एक बार नजारा दिखा दूँ आप लोग को। छठ व्रती लोग अर्घ दे रहे हैं शाम के समय में। ये शाम का अर्घ है,
और चलिए आगे दिखाते हैं अभी। हालांकि इस बार तो ज़्यादा संख्या में छठ पूजा नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग जितना बन सके घाट को सुंदर से सुंदर बनाने का कोशिश किए हैं, जिसमें हमारे ग्राम कोरीडी के युवा साथी लोग सब मिलके और इस घाट को सुंदर बनाने में सहयोग किए हैं। चलिए चारों तरफ का एक बार नज़ारा आप लोग को दिखा देता हूँ। और एक छोटा सा मेला भी लगाया गया है, उसको भी आप लोग को दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और हमारे कमेटी के मेंबर लोग इधर बैठे हुए हैं। आदर्श युवा क्लब पोलिटिक बालेश्वर बैठा और देखिए एक छोटा सा बाजार लगाया गया है, मेला लगाया गया है। चाट चाउमीन गुपचुप बिक रहा है। और पहले हम लोग पतंग उड़ाया करते थे, इस बार पतंग देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब बच्चे बैलून से खेल रहे हैं ज़्यादातर। देखिए किस प्रकार से बैलून से खेल रहे हैं, पतंग का कहीं भी दिखा नहीं दे रहा है। और रात हो गया है और एक तरफ छठ पूजा और दूसरी तरफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मैच चल रहा है, तो यहीं पे व्यवस्था बनाया गया देखने के लिए। शाम के समय में एक बार आप लोग को फूल और सजावट दिखा दे रहा हूँ, किस प्रकार से सजावट किया गया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सराहनीय है ये। देखिए गेट भी रात में बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। सुबह का समय और अब सुबह हो गया है। चलिए चाय का प्रबंध किया गया है यहाँ पे, चाय पानी। और यह कार्य करते करते सुबह खाना है, शाम खाना है, दोपहर खाना है, हमारे बॉडी के जितने भी तंत्र है, सिस्टम है, सब तबाह रहता है। लोग एक से एक आइटम को अपने शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और उसको पचाने के लिए हमारे शरीर के अंदर की अंतःक्रिया कार्यरत रहती है। और यह पर्व में यह देखा जाता है
कि जो पूरे एक सप्ताह में एक दिन की छुट्टी का आनंद जिस तरह से मिलता है, उसी तरह की खुशियाँ हमारे शरीर के अंतःक्रिया के अंतर्गत प्रदान होते हैं। और यह हर व्यक्ति को, यही नहीं हिंदू ही नहीं, मुस्लिम ही नहीं, सिख ही नहीं, ईसाई ही नहीं, इस धरती पर जितने भी मानव है उसे यह महापर्व छठ सूर्यनारायण भगवान को छठ रूपी के रूप में उपवास रखना चाहिए, क्योंकि इसे शारीरिक क्रिया पर बहुत प्रभाव पड़ता है, यह निरोग हो सकता है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अपना छठ पर्व का समापन हो गया है, यहीं पर होता है भगवान भास्कर हमारे।